इससे अर्थराइटिस में, गठिया में जितने भी जो वातज रोग हैं उसके अंदर आप अश्वगंधा को लेते हैं तो उससे अर्थराइटिस में आराम हो जाता है। आप किसी भी दर्द की दवाई के अंदर सुरंजन, अश्वगंधा, सौंठ, शतावर, कुटकी, इन सब को मिला करके पाउडर करके नियमित रूप से लेते हैं तो आपका जो अर्थराइटिस है, जो दर्द है, उसमें पूरा लाभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मेथी, सौंठ, हल्दी, इन तीन में यदि आप अश्वगंधा और मिला लें, चार द्रव्य हो जाते हैं, तो इन चारों द्रव्यों को पाउडर करके प्रातः सायंकाल यदि आप लेते हैं तो आपकी गठिया की शिकायत, अर्थराइटिस की शिकायत, शैटिका की प्रॉब्लम, सेल्फ डिस्क की परेशानी और यूरिक एसिड का बढ़ना, इन सब में ये बहुत लाभकारी है। हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, ये चार द्रव्य, इन चारों को बराबर मात्रा में आप लें, पाउडर करें और प्रातः सायं दूध या गर्म पानी के साथ लें। शरीर के अंदर होने वाला किसी भी तरह का दर्द, चाहे वह अर्थराइटिस का है, चाहे वह सियाटिका का है, चाहे वह आपके किसी भी कारण से है, उसमें इससे पूरा आपको मिलेगा लाभ। यह एक बहुत ही अच्छा दिव्य औषधीय पौधा है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं।